चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब देखते हैं एनर्जी ऑफ SHM या एनर्जी इन SHM, इन SHM, ठीक है भाई, एनर्जी इन SHM देखेंगे। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, तो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्या SHM करेगा? हाँ करेगा, इसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अगर हम लोग इसको कुछ एक डिस्टेंस छोड़ देते हैं, जैसे मान लो बीच में ही कोई डिस्टेंस मान लेते हैं, x डिस्टेंस पे लाते हैं और रिलीज करते हैं, तो क्या होगा? इस पे जो फोर्स लगेगा F equals to minus kx है, है ना? तो मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस kx, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस k बाई m इनटू x, यानी कि a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, जहां ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है बोलो, k बाई m, तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर k बाई m, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बोलो, 2 पाई बाई ओमेगा, यानी 2 पाई रूट अंडर m बाई k। तो देखो टाइम पीरियड तो निकालिए, ये क्या इसको फॉलो कर रहा है? अगर ये इसको फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियसली SHM कर रहा हो, तो इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व है उसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। समझिएगा ध्यान से, अगर हमने इसको शुरुआत में x नहीं खींच के a खींचा है, a जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका जो इक्वेशन होगा x का वैल्यू वो आएगा a sin ओमेगा t प्लस फाइव। अब शुरुआत में वो कहां था उस पर फाइव का वैल्यू डिपेंड करेगा, लेकिन ये x होगा। अच्छा, इसको SHM में लाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? एक तरीका ये हो सकता है इसको ऐसे खींचो और यहां तक लाओ और छोड़ दो, SHM करेगा। दूसरा, यहां पर खूब जोर से धक्का लगा दो तब भी SHM कर सकता है। तो इस SHM का अगर टाइम पीरियड आप देखें तो उसमें कहीं एम्पलीट्यूड नजर नहीं आ रहा, आ रहा है क्या? नहीं, क्यों? टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। आप 2 मीटर दूर कर दें तब ये जो ऑसिलेशन करेगा, और 1 मीटर दूर करें तब जो ये ऑसिलेशन करेगा, 10 सेंटीमीटर दूर करें तब जो ये ऑसिलेशन करेगा, सबका टाइम पीरियड सेम रहेगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड केवल मास और के पे डिपेंड कर रहा है, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, एम और के पे डिपेंड कर रहा है। स्प्रिंग सेम है, ब्लॉक सेम है, टाइम पीरियड सेम है। तो अब आपके दिमाग में आएगा ना, तो फिर एक इस पे डिपेंड, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने एनर्जी कितना दिया। अगर खूब जोर से धक्का लगाते हैं यहां पर, खूब हाई वेलोसिटी देते तब ये बड़ा बहुत दूर तक जाके रुकता तो बड़े एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन करेगा। अगर लंबा खींच के छोड़ दें तो बड़ा एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन करेगा, टाइम सेम लगाएगा, टाइम से मतलब नहीं है, टाइम तो टाइम पीरियड वाले सेक्शन में देखेंगे, अभी एनर्जी से मतलब। तो एनर्जी हम ये बताना चाह रहे कि एनर्जी से एम्पलीट्यूड डिसाइड होता है और एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड को अफेक्ट नहीं करता। अब ये एक्स हो गया भाई, किसी भी टाइम टी पे ये एक्स, हम लोग फाई को 0 मान के चलेंगे, सारा चीज को सिंप्लीफाई रखेंगे, ठीक है भाई। एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा। अच्छा बताइए फिर v क्या होगा? क्या v a ओमेगा cos ओमेगा t होगा? अच्छा, कितने तरह की एनर्जी है इसके पास? जैसे यहीं पे बात करें तो पूरा एनर्जी केवल क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, यहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी है कितना बोलो? हाफ के ए स्क्वायर, है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। तो टोटल एनर्जी क्या बोलो? हाफ के स्क्वायर। ये एनर्जी शुरुआत में हमने दिया था तब तो इसके पास आया, तो यानी कि एनर्जी में ही ये डिपेंड करता है। दूसरा, अब मान लो ये बीच में आ गया किसी एक्स पे, बीच के किसी भी एक्स पे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? हाफ
के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या कुछ तो होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा वी स्क्वायर का वैल्यू एक्स के टर्म्स में हम लोग कल निकाले थे, लास्ट क्लास हम लोग देखे थे हाफ एम वी स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अच्छा ये एम ओमेगा स्क्वायर है क्या, के है, देखो तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाई एम, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाई एम, तो एम इधर ले आओ तो एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के, तो एम ओमेगा स्क्वायर को अगर के लिख लें तो ये क्या हो जाएगा बोलो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई ये सेकेंड पॉइंट पे हो गए। अच्छा यहां पे अगर टोटल एनर्जी निकालें तो क्या आएगा बोलो हाफ के ए स्क्वायर आएगा, एक्स एक्स स्क्वायर वाला टर्म दोनों कैंसिल कर लेगा। अच्छा थर्ड पॉइंट पे देखो, थर्ड पॉइंट पे यानी यहां पे ये थर्ड पॉइंट होगी, ये वन हो गया ये टू हो गया ये थ्री हो गया, तो थर्ड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी पहले लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा जीरो, नेचुरल लेंथ पे आ गए ना, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया बोलो हाफ एम, क्या मैक्सिमम वेलोसिटी होगा वहां पे, वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है ए ओमेगा उसका स्क्वायर, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, क्या एम ओमेगा स्क्वायर को के लिखते हैं तो हाफ के ए स्क्वायर, तो बताओ टोटल एनर्जी यहां पे क्या होगा, ये भी होगा हाफ के ए स्क्वायर। यानी हमने क्या प्रूव कर दिया बताओ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग एस एच एम हमने प्रूव कर दिया। हाँ भाई ये तो लिख चुके हैं ना, अब देखिएगा अगर इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा है, ये तो गलत हो गया यहां पे ऐसा देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का ऐसे ही ग्राफ है किसी भी एक एक्स पे, जो जनरल एक्स पे हमने इक्वेशन लिखा है ये देखो हाफ के एक्स एक्स पे, उसी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ये माइनस ए ये प्लस ए, और यहां पे मैक्सिम ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी थ्रू आउट सेम है और वो है हाफ के स्क्वायर। यहां पे देखिए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या रहता है मैक्सिमम रहता है ना, एक्स का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगा। काइनेटिक एनर्जी को देखें तो मैक्सिमम कहां पे है भाई एक्स इक्वल टू जीरो पे, यहां पे कितना है हाफ के ए स्क्वायर यहां है, तो उस समय टोटल एनर्जी के बराबर है और दोनों एक्सट्रीम्स पे काइनेटिक एनर्जी क्या है जीरो। ठीक है तो ये जो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी और ये बोलो पोटेंशियल एनर्जी और ये है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। ठीक है भाई ये एनर्जी कंजर्वेशन है इन एसएचएम, जल्दी से कॉपी करिए। हाँ भाई अब ये तो बात होगी एक एवरेज नॉर्मल एसएचएम, कभी कभी आपको क्वेश्चन में फंसाने के लिए कुछ और भी चीजें दी रह सकती हैं, कैसी हो सकती है वो समझिए। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ओरिजिन पे जब वो मीन पोजीशन पे है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है जीरो है ना, सो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो यू इज जीरो, क्या ये हर समय पॉसिबल, क्या ये हर समय ऐसा होना जरूरी नहीं, ऐसा हर समय होना जरूरी नहीं। मान लो कि हम लोग ऐसा करें कि इसको अर्थ से एच हाइट ऊपर ले, एच हाइट ऊपर और इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं ग्रेविटेशनल, तो क्या इस ब्लॉक के पास एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रहेगा, कितना रहेगा एम जी एच रहेगा क्यों, तो इसका ग्राफ फिर कैसा बनेगा, उस समय
ग्राफ जो है इतना सिमेट्रिक नहीं बनेगा। तब ग्राफ कैसा बनेगा भाई, देखिएगा ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी तो वही ऐसा ही जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को तो कोई नहीं रोक सकता, काइनेटिक एनर्जी तो एक्सट्रीम पे जीरो होना ही, तो वो तो जीरो पे पहुंच गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकता है सोचिए, हमेशा एक वैल्यू रखेगा और मिनिमम जहां पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है वो जीरो था यहां पर, लेकिन अब क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक्स्ट्रा मिल गया तो वो mgh हो जाएगा। अरे भाई यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेकर और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेकर टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहां जीरो किए थे कि नहीं किए थे? अगर यहां पे इसको पोटेंशियल एनर्जी कुछ मिल जाता तो ग्राफ तो सिमिलर रहेगा, ग्राफ में कोई बदलाव थोड़ी आएगा। यू क्या हो जाएगा भाई, यू हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, वेरिएशन तो इसी की वजह से आएगा लेकिन एक एमजीएच उसमें ऐड हो जाएगा कि नहीं? ये किसी और चीज की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, किसी और चीज की वजह से भी हो सकता है। तो ये एक्स्ट्रा जो आ जाएगा एनर्जी उसकी वजह से ग्राफ का जो नेचर होगा वो तो सेम रहेगा लेकिन ग्राफ को ऊपर उठ जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि ग्राफ ऊपर उठ, इसकी वजह से टोटल एनर्जी भी बढ़ गया ना भाई इस समय। लेकिन ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी भी एक्सट्रीम पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है, ये अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो गया। अभी भी जो एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी, पहले भी एक्सट्रीम का पोटेंशियल एनर्जी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल होता था, अभी भी इक्वल दिख रहा है, लेकिन अब मीन का जो काइनेटिक एनर्जी है, अब मीन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी से कम है। क्यों? मीन में काइनेटिक एनर्जी के अलावा कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया कि नहीं आ गया, एमजीएच तो आ गया, तो यहां पर जो होगा ये खाली काइनेटिक एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी प्लस यू नॉट, यू नॉट मतलब वो एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी जो कांस्टेंट है थ्रू आउट उसके पास एक्स्ट्रा है, समझ में आया? तो जैसे यहां पे केवल काइनेटिक एनर्जी था ये वैलिड नहीं है, समझ रहे हैं? मतलब नाउ इस केस में हर समय जरूरी नहीं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इसके बराबर हो, टीएमई के बराबर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर हो, ये जरूरी नहीं, लेकिन यू मैक्स अभी भी टीएमई के बराबर, ठीक है भाई, अभी भी यू मैक्स जो होगा वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होगा, है ना? आ रहा है समझ में ये चीज, ठीक है? तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी टीएमई जो है वो 150 जूल है, ठीक है भाई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है 150 जूल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स इक्वल्स टू 100 जूल है, तो आपको umax क्या होगा वो बताना है एंड u एट मीन पोजीशन क्या होगा वो बताना है। अब देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी और kmax में जैसे वेरिएशन आया आपको समझ जाना है कि u नॉट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, अगर दोनों बराबर है तो u एट मीन पोजीशन तो ऐसे ही जीरो हो जाएगा, लेकिन kmax तो मीन पोजीशन पे ही है और ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी ये तो हर जगह मीन पोजीशन पे भी होगा, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या यू एट मीन पोजीशन हो जाएगा, यानी यहां पर 50 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी है यू के पास और यू मैक्स कितना होगा, यू मैक्स तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर ही होगा हमेशा, तो यू मैक्स जो होगा वो 150 जूल ही रहेगा। ये बात समझ में आई, क्लैरिटी हुआ, जल्दी से कॉपी कर लें, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना? ये जो हमने देखा, ये देखा कि किस तरह से एनर्जी वेरिएशन इन SHM होता है विथ टाइम, नहीं विथ पोजीशन, है ना, x लिख रहे थे भाई, x के साथ ग्राफ बनाए, अब हम लोग देखेंगे एनर्जी वेरिएशन विथ टाइम, है ना,
लिखेंगे हेडिंग एनर्जी वेरिएशन इन एसएचएम, एनर्जी वेरिएशन इन एसएचएम विथ टाइम। टाइम के साथ कैसे एनर्जी वेरिएशन हो रहा है, देखिए सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात कर रही हूं, नहीं पहले पोटेंशियल एनर्जी करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आसान थी, हाफ के एक्स पे, क्या एक्स टाइम पे डिपेंड करता है, बिल्कुल हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा कि नहीं बोलो। अच्छा तो दूसरा आप काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी आ गया हाफ एम वी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को के लिख लेंगे, तो हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात कर लें तो वो तो कांस्टेंट आना चाहिए, वो तो टाइम के साथ भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी दोनों का सम है ना, यानी हाफ के ए स्क्वायर तो कॉमन आ गया है ना भाई, और अंदर में क्या रह गया बोलो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। जिस दिन ये दोनों साथ आ जाते हैं स्क्वायर के साथ ऐड होने के लिए, दोनों मिलके क्या हो जाते हैं बोलो, वन हो जाते कि नहीं, हाफ के स्क्वायर आ गए। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, कॉन्स्टेंट। साइन स्क्वायर थीटा का जो टाइम पीरियड होता है वो पाई बाई ओमेगा, मतलब साइन थीटा का डबल, साइन थीटा का डबल की हाफ 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 है ना। साइन थीटा का क्या होगा, साइन ओमेगा टी का क्या होगा, टू पाई बाई ओमेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का पाई बाई ओमेगा होगा। क्यों होगा समझिए, अगर इसका ग्राफ आप ड्रॉ करने जाइएगा, ये ग्राफ हुआ और फिर ये इसके बाद रिपीट करने, नीचे तो आएगा नहीं, जो नीचे आने वाला पार्ट था उसमें फिर से वो ऊपर चला गया, आ रहा है समझ में। अरे भाई स्क्वायर हुआ तो नेगेटिव जो होना था वो फिर पॉजिटिव हो गया कि नहीं, तो इसकी वजह से वो ऊपर चला गया। तो देखिए इसी के बाद वो रिपीट होना शुरू हो गया, पहले क्या था कि भाई वो पहले ऐसे आता था और उसके बाद ऐसे आता था, इसके बाद रिपीट होता था, अब तो आधे के बाद से ही रिपीट होने लगा, तो टाइम पीरियड आधा हो गया कि नहीं। टाइम पीरियड जो पहले यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा हुआ करता था, अब वो क्या हो गया, पाई बाई ओमेगा हो गया, मतलब टाइम पीरियड आधा हो गया। तो बताओ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, डबल, ठीक है फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा। एनर्जी का फ्रीक्वेंसी जो होता है एसएचएम के फ्रीक्वेंसी का डबल होता है, ये ध्यान रखना है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी इज डबल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, ठीक है। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, ये पोटेंशियल एनर्जी का ही ब्लॉक है ना, हाँ पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि साइन है ना पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो ऐसे लिखेंगे देखना भाई इस तरह से थोड़ा सा शेप बना के ऐसे इस तरह से, ठीक है भाई, तो ये इस तरह का शेप बनता है। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये जो कॉस वाला है कोसाइन का ग्राफ बनाया हमने कॉस का, लेकिन नीचे वाले को फिर ऊपर बना लिया, ठीक है ये है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। व्हाट विल बी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ ये होगा, मैक्सिमम वैल्यू ये होगा हाफ के स्क्वायर, ये एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया फॉर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी। जल्दी से कॉपी करिए, हाँ भाई चलिए अब हम लोग इस एनर्जी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आते हैं वो काफी डायरेक्ट रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि फाइंड द लोकेशन वेयर, फाइंड द लोकेशन वेयर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फॉर एसएचएम, फॉर एसएचएम
SHM के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो, इसके लिए इसका लोकेशन क्या हो, तो हाफ के एक्स एक्स स्क्वायर, ये काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी तो मतलब x equals to a by root 2 वो जगह है जहाँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इक्वल होता है। क्वेश्चन मान लो पूछ ले कि काइनेटिक एनर्जी, फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट x equals to a by 2, a by 2 पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वो बताओ, तो क्या लिखेंगे, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी हाफ m ओमेगा स्क्वायर, तो k हो गया है ना, k, और फिर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, क्योंकि a बाय 2 का होल स्क्वायर होगा, 3 a स्क्वायर बाय 4, तो ये हो जाएगा 3 k a स्क्वायर बाय 8, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, हो जाएगा ना। एक जगह क्वेश्चन पूछा कि if F max, maximum force acting during SHM is 100 Newton, ठीक है भाई, find force when kinetic energy is half of total mechanical energy, तो वैसा जगह जहां पे kinetic energy और total kinetic energy जो है total mechanical energy का आधा है, वहां पे मैं फोर्स कितना लग रहा होगा उस ब्लॉक पे वो बताना है, बहुत आसान है। एफ मैक्स मतलब के ए, यही बोल रहे ना, के फोर्स जो लगता है रीस्टोरिंग फोर्स के एक्स होता है, तो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, के के कितना है, 100 न्यूटन। तो बोला कि फाइंड द फोर्स व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो वो एक्स निकाल देना है हमको, के एक्स निकालना है, जहां पे एक्स वैसा एक्स पुट करना है जिसके लिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 के ए स्क्वायर। देखो तो भाई सही लिखा, हाफ के ए स्क्वायर तो उसका एनर्जी होता ही है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और उसका भी आधा कर दिया तो 1/4 के ए स्क्वायर हो गया, और ये के है तो हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 के ए स्क्वायर, तो के से के कैंसिल, इधर उधर भेज दें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2, है ना। तो उसको आगे सॉल्व कर रहे हैं भाई, ठीक है, उसको आगे यहां सॉल्व कर रहे हैं, तो ए एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो x का वैल्यू देखिएगा आप प्लस माइनस a बाई रूट 2 लिखेंगे, यहां भी वही होता प्लस माइनस दोनों होगा, ठीक है। अच्छा ये तो वही जगह हो गया जहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, अरे भाई दोनों इक्वल हैं तभी तो दोनों आधे हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी के, तो लोकेशन तो पहले से पता था, तो फोर्स कितना हो जाएगा भाई, फोर्स हो जाएगा के ए बाई रूट 2, और के खुद ही 100 न्यूटन, तो ये हो गया 100 by root 2 यानी 50 root 2 न्यूटन, समझ में आया, जल्दी से कॉपी कर लीजिए।